हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं, जो कि क्लास 9th साइंस के 8th चैप्टर मोशन की वीडियो है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मतलब कि मोशन को हम कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मतलब कि मोशन को ग्राफ की हेल्प से हम कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे हम यहां पे। और यहां पे बच्चों, आपके सिलेबस में दो टाइप के ग्राफ्स है जो कि आपको 9th क्लास में स्टडी करना है। पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या इसी को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी आप बोल सकते हो। और दूसरा है स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप इसको बोल सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, डिस्टेंस या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और इसी को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डीटी ग्राफ। इसको क्या बोलते हैं, डीटी ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ के बारे में आपको जनरल चीजें पता हैं। दो एक्सिस होते हैं हमारे यहां पे, ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये दोनों जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है हमारा क्या, ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से हम सारी डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, चाहे वो एक्स एक्सिस पे हो और चाहे वो वाई एक्सिस पे हो, क्लियर है। तो यहां पे हम डीटी ग्राफ की बात करेंगे, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करेंगे। तो वाई एक्सिस पे हम लेंगे डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, और एक्स एक्सिस पे हम लेंगे टाइम को, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डीटी ग्राफ की, इसमें हमको किन किन टाइप के ग्राफ को पढ़ना है। अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं डीटी ग्राफ, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। मान लो कि हमारा ग्राफ कुछ ऐसे दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस, इधर हमारा है क्या टाइम, और इधर है हमारा क्या डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हो गया टाइम हमारा। अगर हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ऐसे मान लो कि आपको ग्राफ दिया है और वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बना है, तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि इस ग्राफ के थ्रू किस टाइप की मोशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहां पे। किसको बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड। ये जो ग्राफ है वो क्या बता रहा है, स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब कि यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बच्चों, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, ये हमेशा स्पीड देता है, मतलब इसके थ्रू हम स्पीड कैलकुलेट कर पाएंगे। और कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी भी बात हम करेंगे यहां पे।
बच्चों जब भी हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ये आप देखिए एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन होगा तो वो किस टाइप की मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब हमको यहां पे स्पीड कैसे कैलकुलेट करनी है, इस स्ट्रेट लाइन पे आप कोई भी पॉइंट मार्क कर दो और वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अब यहां पे हमको क्या करना है, इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप, स्लोप क्या होता है बच्चों, मतलब कि ये जो ऊंचाई है, ये ढलान जो है, ढाल इसको बोलते हैं, स्लोप का मतलब ढाल, या फिर इसको हिंदी में प्रवणता भी बोलते हैं। तो ये ढाल हमको निकालना है और वो क्या दे देगा, हमारा स्पीड दे देगा, क्योंकि स्लोप हम कैसे निकालेंगे बच्चों, y अपॉन में x करके, और y एक्सिस पे क्या है हमारा डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट है, और x एक्सिस पे टाइम है। तो हम दोनों वैल्यूज को पुट अप कर देंगे यहां पे और हमारा स्लोप निकल जाएगा, और वही स्लोप क्या होगा बच्चों, स्पीड होगा। तो अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे तो हमको हमेशा क्या मिलेगी, स्पीड मिलेगी, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा क्या देता है, स्पीड देता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है आपको। मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है ओ। अब यहां पे हमको स्लोप निकालना है बच्चों, एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो आप यहां से वाई एक्सिस पे, और ये हो गया हमारा सी पॉइंट। ठीक है, अब वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस है उसको हम लिख लेते हैं यहां पे, कितनी डिस्टेंस है बच्चों, ए बी ये है, लेकिन हमको यहां से कंपेयर करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहां पे तो कोई डिस्टेंस हमको पता नहीं है, ये जो ए बी है वो किसके बराबर है, ओसी के। तो वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, ओसी अपॉन में एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, ये टाइम है, यहां तक कि हमको स्पीड निकालनी है, तो ओ बी टाइम हो जाएगा हमारा ओ बी, और ये क्या हो जाएगा, स्पीड। ठीक है, ओसी अपॉन में ओ बी करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा। मान लो अगर यहीं पे हम मार्क कर देते हैं, मान लो ये हो गया वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर और ये फाइव, इधर भी ये हो गया वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री और ये हो गया फोर। ठीक है, अब डिस्टेंस जो OC है वो कितनी है बच्चों, फोर है, और OB जो टाइम है वो कितना है, फाइव सेकंड का। तो ये क्या हो जाएगा, फोर अपॉन में फाइव मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, अगर डिस्टेंस हमारी मीटर में मेजर करी जाएगी, और टाइम किस में, सेकंड में। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो क्या, स्पीड, और स्पीड कैसे निकलेगी, जब हम उसका स्लोप निकालेंगे, उस ग्राफ का ढाल निकालेंगे, और ढाल कैसे निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट मार्क करेंगे जहां तक कि हमको निकालना है, और वहां से एक्स और वाई एक्सिस पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद इस तरीके से हम उसका स्लोप निकाल लेंगे और वही हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट ग्राफ हमको पढ़ना है बच्चों, मतलब कि dt ग्राफ में ही दूसरा ग्राफ जो पढ़ना है वो है ये हमारा, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, यहां पे हो गया डिस्टेंस और इधर हो गया टाइम। अगर हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा, ये कैसा है बच्चों, कर्व्ड लाइन है। अगर हमारा ग्राफ dt ग्राफ कर्व्ड लाइन है तो हम क्या बोलेंगे कि स्पीड कैसी है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म। स्पीड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है बच्चों,
क्योंकि अगर यहां पे आप हर एक पॉइंट पे आप देखोगे तो स्पीड क्या हो रही है, आपकी नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, मतलब कि जो डिस्टेंस कैलकुलेट करी जाएगी वो अनइक्वल कैलकुलेट करी जाएगी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, ठीक है। तो यहां पे ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। तो फाइनली यहां पे कंक्लूजन क्या निकलता है बच्चों की, अगर हमारा जो डीटी ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन रहता है, अगर डीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो स्पीड कैसी होगी, यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर कर्व्ड लाइन है, अगर डीटी ग्राफ कर्व्ड लाइन बना है तो स्पीड कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का जो ग्राफ पढ़ना है हमको वो पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। या इसी को क्या बोलते हैं, वीटी ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ भी आप बोल सकते हो। इसमें पहला जो ग्राफ पढ़ना है वीटी ग्राफ में वो ये पढ़ना है कि जब बॉडी की स्पीड कांस्टेंट होगी या वेलोसिटी, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी remains constant, जब बॉडी की वेलोसिटी या फिर स्पीड कैसी रहेगी बच्चों, कॉन्स्टेंट रहेगी, तो उस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया, मतलब ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी, और इधर हो जाएगा हमारा क्या, टाइम हो जाएगा। अब अगर ग्राफ हमारा कुछ ऐसे है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है बच्चों, ठीक है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो वीटी ग्राफ होता है बच्चों वो हमेशा क्या देता है, इट गिव्स क्या, क्या देगा बच्चों, ये एक्सेलरेशन, ये हमेशा एक्सेलरेशन देता है। तो अगर हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है, मतलब कि वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी बच्चों, कैसे कांस्टेंट वेलोसिटी है, आप यहां पे देखो, मान लो यहां पे टाइम वन है, यहां पे टाइम टू, यहां पे थ्री सेकेंड, यहां पे फोर सेकेंड, और वेलोसिटी मान लो यहां पे एक, यहां पे दो, और यहां पे तीन, यहां पे चार, और ये फिर पांच मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी किस में है, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और बच्चों यहां पे अगर देखोगे तो फोर मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी है वो जीरो सेकंड में है, यहां पर अगर एक सेकंड में देखोगे, फर्स्ट सेकंड में जो बॉडी की वेलोसिटी है वो कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। थर्ड सेकंड में अगर देखेंगे तो वो भी कितनी है बच्चों, 4 मीटर पर सेकंड। फोर्थ सेकंड में कितनी है, वो भी 4 मीटर पर सेकंड। मतलब कि जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकंड ही है, इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मोशन कर रहा है बॉडी, मतलब कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो हमने क्या बताया कि वीटी ग्राफ हमेशा क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। अब जब हमारी वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, मतलब कि वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है, तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, एक्सेलरेशन यहां पे जीरो हो जाएगा, जीरो एक्सेलरेशन होगा, नो एक्सेलरेशन होगा, मतलब कि होगा ही नहीं एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी क्या है हमारी, कांस्टेंट। नेक्स्ट टाइप का जो ग्राफ पढ़ना है वो है
velocity of the body changes uniformly. जब बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, तब के केस में हमारा ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों? ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस, इधर हो गया हमारा वेलोसिटी और इधर हो गया हमारा क्या टाइम। इसका ग्राफ यूनिफॉर्मली वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, तो कैसा हो जाएगा? ऐसा होगा बच्चों कुछ हमारा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये ग्राफ क्या शो करेगा कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है मतलब कि हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, एक श्योर सर्टेन रेट से चेंज हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्म। अगर वीटी ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन है, अगर वीटी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, तो हमारा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब बच्चों यहां से हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन निकालना है तो फिर से वही काम करेंगे, स्लोप निकालेंगे और स्लोप क्या दे देगा बच्चों हमको? एक्सेलरेशन दे देगा। और अगर यहां से हमको डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस अगर निकालनी है बच्चों तो कैसे निकालेंगे? ये मान लो हमको यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है, ये पॉइंट है ए, ये है बी और ये है ओ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी, इसी का हम क्या निकाल देंगे? एरिया निकाल देंगे। और एरिया निकालने से हमारी क्या निकल जाएगी बच्चों? डिस्टेंस निकल जाएगी, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालेंगे ट्रायंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। और बेस यहां पे कितना है बच्चों? OB। और हाइट कितनी है? AB, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। कभी कभी बच्चों जो वीटी ग्राफ होता है, वीटी ग्राफ वो कुछ इस तरीके का दे देता है, ऐसे। ये हो गया वेलोसिटी और ये हो गया टाइम। तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये ग्राफ हमारा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो सुना है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी होता है। हाँ भाई होता है, अगर हमारी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है तो जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बोला जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपको कुछ इस तरीके का दिखे तो वो किसका ग्राफ रहेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को। कभी कभी क्या होता है बच्चों, आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से भी दे देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दे देगा कि जो उसकी वेलोसिटी होगी वो जीरो से ना स्टार्ट होगी, ठीक है, जीरो से स्टार्ट नहीं होगी। ये इस एक्सिस पे क्या है हमारी वेलोसिटी है और इधर क्या है बच्चों हमारा
टाइम है, तो उसकी जो वेलोसिटी है आप देख पा रहे होगे कि ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुई है, यहां से इंक्रीज हुई है इस पॉइंट से, ठीक है। तो ये भी किसका है, किसका ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, बट उसकी वेलोसिटी यहां से स्टार्ट हो रही है, तो ये भी क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा बच्चों। और अगर यहां पे हमको मान लो एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन तो आप सिंपली ऐसे निकाल लोगे, यहां पे ये स्लोप बना के आप इसका स्लोप निकाल लोगे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, और वही हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। लेकिन अगर हमको क्या निकालनी है बच्चों, डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे, ये मान लो ओ हो गया, ए बी और सी हो गया। अब बच्चों ओ ए बी सी क्या है, एक ट्रेपेजियम है और इसी का एरिया निकाल लोगे तो डिस्टेंस निकल जाएगी हमारी, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, ठीक है। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन में टू हो जाएगा। और इसकी पैरेलल साइड्स कौन सी है बच्चों, ये ओसी और AB, तो OC plus AB multiplied by height क्या हो जाएगी, जब ये OC और AB इसकी parallel sides हो जाएंगी, ऐसे कर दोगे तो ये OA क्या हो जाएगी, height OA upon में 2, तो यहां से हम finally क्या निकाल लेंगे, distance निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है। VT ग्राफ में लास्ट वाला हमको पढ़ना है कि जब हमारी वेलोसिटी क्या करे, नॉन यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज करे, नॉन यूनिफॉर्म रेट से, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, हमारा ग्राफ कुछ ऐसा हो, ऐसा अगर है, इधर हो गया वेलोसिटी और इधर हो गया हमारा टाइम, तो इस केस में जो हमारा एक्सेलरेशन होगा या फिर जो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा वो किस टाइप के एक्सेलरेशन को, किस टाइप के मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा ये, ठीक है। तो जब भी हमारा ये कर्व्ड लाइन आए डीटी ग्राफ में तो वो ग्राफ किसका होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो आई होप कि बच्चों आपको मोशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।